Hello guys, hope you're doing great and welcome back to my channel and the second video of my Mashobra trip. So you can see the beautiful view from a balcony. We stayed at Dark Bangla Cottages, a beautiful property. You can check out the details in my previous video. So right now we are heading to Narkanda for a long scenic drive. क्या कर रहा है वो So this guy is here from the resort. Very friendly. In the winters, ये पूरा बर्फ से कवर हो जाता है क्या हो गया तेरे को भी जाना है साथ में नारकंडा घूम के आएगा It's 11:30 right now and we are heading to Narkanda. Man, where are you going? Narkanda. Mekko diyo. Arre yaar, you ask the camera. Mekko diyo. Man just loves the camera and as soon as my GoPro comes out, he just wants it. So we are heading towards Kufri. जहाँ से होते हुए हम नारकंडा की तरफ जाएंगे एंड यार ये पाइन ट्रीज़ यहाँ के बड़े सुंदर लगते हैं सच लॉन्ग ब्यूटीफुल ट्रीज पूरा फील आ जाता है स्टेशन वाला आई विल ट्राई टू ग्रैब सम पाइन कोन्स अगर नज़र आते हैं तो एंड विद दैट बारिश शुरू हो गई है यार अभी माइट बी सम इश्यूज क्योंकि बारिश में हर जगह रुक के उतर नहीं सकते थोड़ा ठंडी बढ़ जाएगी रोड्स वुड बी स्लिपरी एंड मडी लेट्स सी Guys, on a very serious note, what we saw here now, जो आप आगे देखेंगे, is an actual murder attempt. So here you see classic cow buffalo rivalry. बहुत ही चलाकी से भैंस ने गाय को हमारे सामने धक्का दे दिया, but हम कम स्पीड पे थे, इसलिए गाय को कुछ नहीं हुआ, हमने उसको टच भी नहीं किया. Because as I told you, बारिश हो रही थी, road थोड़ी slippery है, hilly area है, थोड़ा climb है, तो वैसे ही हम कम स्पीड पे थे, and this helps. On such situations. और अगर आपको मजाक लग रहा है तो ये देखिए स्लो मोशन में भैंस ने चालाकी से किस तरह गाय को हमारे सामने धक्का दे दिया हमने गाय की तरफ से FIR दर्ज करा दी है भैंस पे विद अटेम्प्ट टू मर्डर का केस और इस पे मैं आपको आगे अपडेट्स दे दूंगा आई होप द काउ गेट्स जस्टिस सत्यमेव जयते गाइस इसके साथ नारकंडा का पैच चालू हो गया है बहुत ही मज़ा आ रहा है पतली पतली गीली गीली सड़कें हैं थोड़ी पट सी भी रही है एंड ये वन वे नहीं है गाइस आने जाने का यही रास्ता है सामने से कोई गाड़ी आ गई तो फिर पता नहीं खाई में गिर के जाना पड़ेगा उसको मैं तो नहीं साइड दे रहा बट जोक्स अपार्ट गाइस इधर जा रहे हो तो मेक श्योर यू हैव अ एक्सपीरियंस ड्राइवर जिसको थोड़ा आदत है चलाने का एंड बारिश में अवॉइड ही करो यार हमको तो पता नहीं था कि रोने वाली है प्रेडिक्शन यहाँ आ गए इतना कुछ पता नहीं है सो अगर पहले से हो रही है तो डेफिनेटली एक दिन डिले कर सकते हो तो करना एंड फ्रेंकली थोड़ा मज़ा भी कम हो जाता है यार आप हर जगह रुक के फ़ोटो वोटो नहीं खिंचा सकते हैं उतरोगे नीचे कीचड़ वीचड़ लग जाए सो वैसे भी इस रोड पे कहाँ ही रोक लोगे वैसे तो बट हाँ थोड़ा और अच्छा एक्सपीरियंस होगा अगर बारिश नहीं होगी तो बट ले इसमें बारिश का भी अलग मज़ा है ठंडी बढ़ गई है यहाँ हमको थोड़ी सी जगह मिली हमने तो रोक के लगा ली भाई फ़ोटो वोटो खींचेंगे बारिश होने से टेम्परेचर डेफिनेटली गिर गया है थोड़ा और ज़्यादा चिली हो गया है मौसम और देख लो ये पतली सड़क है इस पर रेंगते रेंगते आए हम लोग यहाँ तक एंड इसलिए मैं बोलूँ थोड़ा रिस्की तो है ये रास्ता अभी सामने से गाड़ी आ नहीं रही लकीली आएंगी तो फिर कैसे चिपक चिपक के निकलेंगी पता नहीं थोड़ा मैनेज तो हो जाता है जैसे ये टर्न है ये चौड़ा है तो यहाँ तक थोड़ा आगे पीछे गाड़ी लेंगे और क्या एंड गाइस ये देखो ऊपर पहाड़ों पर इधर एक छोटा सा तबेला सेटअप है यहाँ लोग रह भी रहे हैं इनकी भैंसे भूसे भी हैं यहाँ अच्छा हिल व्यू इन्फिनिटी पूल इन्फिनिटी प्राइवेट पूल है यहाँ भैंसों का इसमें नहाती हैं इसमें मतलब मज़े यार
जिंदगी तो इंगेज ही रहे, हम तो बस दिन काट रहे हैं। ऑन अ सीरियस नोट, हम लोग पहुँच गए हाथू पीक और हाथू टेम्पल। सो यहाँ कमी गाड़ियाँ दिख रही हैं, बारिश है, सो आई गेस पीपल आर अवॉइडिंग इट कमिंग हियर टुडे, या एंड मे बी यहाँ वैसे भी कमी आपको चहल पहल दिखती है। एंड एडिशनली टुडे इट्स रेनिंग ऑल्सो, सो द रस्ता इज सच कि इट्स अ बिट रिस्की, गीला वीला हो जाता है, तो आज मे बी लोग अवॉइड कर रहे होंगे ना। बट गाइस मस्ट से ब्यूटिफुल व्यू एंड वेरी पीसफुल प्लेस, मतलब बहुत शांति है यार। एंड देयर इज अ भवन, जूते उतार दिए एंड मार्बल्स आर वेरी कोल्ड। अंदर देखो यार कितनी अच्छी कार्विंग कर रखी है, वुडन कार्विंग्स इन साइड और अमेजिंग, इतना बारीक वर्क। पंडित जी जो यहाँ के केयर टेकर हैं वो बता रहे हैं 52,000 साल पुराना मंदिर, विच डेट्स बैक टू द टाइम ऑफ द पांडवास। अंदर का जो भवन है वो पुराना है, ऊपर का स्ट्रक्चर दे कीप ऑन चेंजिंग मेंटेनिंग एंड अपग्रेडिंग। क्या क्या है यहाँ पे, ये कौन कर गया इतना बड़ा? हाँ। क्या खाती है वो? आजो कोई नहीं तो आओ। अब क्या करे तो उसका, रहने दो उसको वहाँ। आजो तो क्या कर? चलो आजो, भाग रहे हैं। क्या करे फिर? अरे तो कर दी तो उसका क्या करे अब? चलो काउंटिंग करते जाते हैं कितनी है। 1, 2, 7, 8, 9 के पास इतना 7 आता है, 8, 9, 9। नहीं इतने बड़े बड़े इसलिए 7 से चालू किया। भाई पूरा शिमला घूम लिया लड़का, पूरा नारकंडा घूम लिया, इसको काउंटिंग की यही जगह मिली। कहाँ तक पहुंची काउंटिंग? बट सीरियसली गाइस यहाँ की भैंसें खा क्या रही हैं? एंड वी आर बैक टू द प्राइवेट इन्फिनिटी पूल व्यू, भैंसों का तबेला। एंड हमने सोचा यार यहाँ ऊपर अच्छा सा दिख रहा है, थोड़ा सा ऊपर ट्रैक कर लेते हैं छोटा सा, इससे ऊपर तो अपने फेफड़े वैसे भी याद देंगे नहीं। सो ऊपर चढ़ते ही गाइस यू कैन सी फॉग होना चालू हो गया यार, इट्स मतलब सच अ अनरियल एक्सपीरियंस। ऊपर जाते जाते यार यू कैन सी इट्स बिकम मोर फॉगी एंड फॉगी, एंड देखते देखते इट वॉज टोटली फॉगी अप हियर, बट भाई ठंडक की एंड मज़ा आ गया। मतलब वी डिडंट हैव मच टाइम, थोड़ी देर हम यहाँ रुके, बट यहाँ यार ऐसा था कि 1.5 घंटा रुको आराम से बैठो। चलो अब इसी स्पीड में वापसी नीचे, और भाई गिरा नहीं, बस बचते बचते उतर गया मैं ठीक से। और मेरे को एक पाइन कोन मिल गया यार, मेरे को मतलब तब से था कि एक पाइन कोन मिल जाए, वॉन्ट टू टेक इट बैक एज अ सोवेनियर टू मुंबई, एंड मिल गया मेरे को। मेरे को दिखाता हूँ आपको, ये देखो बस। सो नारकंडा की ड्राइव तो यार सीनिक है ही, प्लस यहाँ दो मेन है, हाथू पीक और एक लेक है, लेक का मुनियानी कट्टू मॉल रोड। तो ये एलिवेटर है, आप टिकट लेके नीचे पार्किंग है गाड़ियों की, वहाँ आप गाड़ी पार्क कीजिए, ये पार्क योर कार एंड यू टेक द टिकट्स एंड यू कैन टेक द एलिवेटर्स डायरेक्टली टू द मॉल रोड्स। अब वहाँ निकल के सीधा मार्केट की खुलती है ये। So this is the exit to the elevator to the mall road. So you can see all the restaurants, shops, pura chal pal hai. You enter the market area right away and yahan line se chal sakte hain, and this dono taraf aapko shops dikhengi. Yahan ke dogs hain, inka lunch break hai, abhi time out hai. Yahan sab sone aate hain, ikatte hoke sote hain. Unity in diversity, alag alag color ke kutte hain lekin sote saath mein hain. एंड यहाँ सब सुखाने डाल रखे कुत्ते दोपहर को धूप में। नीचे भी पैरेलल मार्केट रोड है, छजे वजे सो रहे हैं कुत्ते, पहाड़ी कुत्ते, इनको डर नहीं लगता हाइट वाइट से, इनके सब बढ़िया। एंड देखो लाइन से यहाँ से व्यूज़ भी है यार, व्यूज़ के साथ शॉपिंग करते रहो। ये ऊपर एक जगह है
मज़ा आ गया, इंडिया का बड़ा सा झंडा देख के। एंड यू कैन सी द जाकू टेम्पल सामने, देयर इज अ ब्यूटीफुल चर्च ऑल्सो, वी विल बी गोइंग टू द जाकू टेम्पल यहाँ कुछ खा पी के। एंड अच्छा यार, वुडन स्ट्रक्चर्स और ये सब देख के बड़ा मज़ा आता है यहाँ पे एकदम, यहाँ का जो आर्किटेक्चर है। मयान झूले लेते हुए जा रहे हैं नीचे, इसके मजे। सो गाइस, वी आर क्लाइंबिंग द स्टेयर्स फॉर द फेमस हनुमान मंदिर जाकू टेम्पल। एंड काफ़ी सारे स्टेयर्स हैं यार, यहाँ दोनों साइड बंदर भी मिलते हैं। गोप्रो चीनी का ट्राई भी कर रहा था एंड बट ऊपर आके इट्स टोटली वर्थ इट। यू कैन सी द टॉल हनुमान जी का स्टैचू ओवर हियर एंड इट्स सो ब्यूटिफुल एंड विद व्यूज इन द बैकग्राउंड एंड पाइन ट्रीज। It's a must visit, guys. Definitely do visit here once you go to Shimla. And अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है, do check that out as well for Mashobra का हमारा stay and nearby places. Do share it with your friends who are planning to do a trip to Shimla. And do leave a like and a comment if you like the video. And until then, see you in the next video. Bye bye. Take care.